पांच दिनों से लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उबल रही है। छात्रों ने वाइस चांसलर सहित यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारियों का घेराव खत्म कर दिया है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि प्रशासन उनकी तीन सूत्री मांग पर कोई ठोस आश्वासन दे। हालांकि देर रात छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच बातचीत हुई थी, जिस पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। दूसरी तरफ प्रशासन ये दावा कर रहा है कि छात्रों ने उन्हें बंधक बना रखा है। इसके लिए प्रशासन ने सरकार से अर्धसैनिक सुरक्षा बलों की मांग की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए वीसी एम जगदीश कुमार ने कहा कि हम भी लापता छात्र नजीब को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमें छात्रों ने बुधवार दोपहर 2:30 बजे से घेर रखा है और किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। अधिकारियों को जमीन पर सोना पड़ा और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। दूसरी तरफ नाराज छात्रों का कहना है कि जेएनयू प्रशासन ने छात्र के लापता होने के मामले में लापरवाही बरती है और अब अपने बचाव में बंधक बनाने की बातें कह रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद 15 अक्टूबर को शुरू हुआ था। शनिवार को नजीब और कुछ छात्रों में झगड़ा हुआ था। आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर नजीब के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी और उसी के बाद से छात्र नजीब गायब है। हालांकि एबीवीपी इन आरोपों से इनकार कर रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा से बात की है। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नजीब का पता बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और इस खबर पर अब ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी भारत शर्मा। बताइए भारत शर्मा जी, क्या क्या कुछ चल रहा है अभी तक जेएनयू में? इस समय जेएनयू के हालात बड़े गंभीर हो गए हैं। केवल छात्र यूनियन ही नहीं, टीचर्स यूनियन भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर जमावड़ा करके रखा हुआ है। छात्रों की मुख्य रूप से तीन मांग हैं। पहली कि नजीब जो छात्र लापता हुआ है उसको जल्दी से जल्दी खोजा जाए। दूसरा, प्रशासन एक अपील करे नजीब के साथ कि अगर वो कहीं छुपकर बैठा है तो अपील ये की जाए कि वो बाहर आए, वापस जेएनयू में लौट कर आए, उसको पूरे तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। तीसरी उनकी ये डिमांड है कि जिन छात्रों ने उसके साथ मारपीट की है उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस अपील की डिमांड पर तो अपील की मांग तो मानने को तैयार हो गया है, लेकिन वो उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने को कतई तैयार नहीं है जिन्होंने नजीब के साथ मारपीट की है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरी गलती नजीब की है और इसीलिए अभी तक उन छात्रों के खिलाफ कोई FIR भी दर्ज नहीं की गई है। भारत जी, जैसा कि बताया जा रहा था, खबरें आ रही हैं कि वीसी कह रहे हैं कि बंधक बना लिया गया है जेएनयू प्रशासन को, लेकिन वो खुलेआम बाइट भी दे रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स को उन्होंने बाइट भी दी हैं, तो ये किस तरीके का बंधक संकट है? ये किसी तरीके का बंधक संकट नहीं है। ये कुल मिला के जब से पिछले हम लंबे समय से देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर जिस तरीके के अटैक किए जा रहे हैं, ये उसी का एक वो है। वीसी खुद बैठकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पूरे मामले में। भाई, ये इतनी बड़ी डिमांड नहीं है जिसको वीसी नहीं मान सके कि आपको पूरी रात आपको एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में बैठा रहना पड़े। या अब स्टूडेंट्स का ये दावा है कि उन्होंने खाना भिजवाया, उनका ये कहना है कि जो बीमार थे उनको उन्होंने जाने भी दिया। तो अगर आप बाहर निकल के आ रहे हैं तो आप बंधक तो नहीं है, आप स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं मान रहे, और इसमें ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है। भाई, वो ये तो नहीं कह रहे, अगर शुरुआत अगर नजीब ने भी की है और आपने नजीब के खिलाफ FIR दर्ज कराई है तो स्टूडेंट्स ये तो नहीं कह रहे कि आप नजीब को आप निर्दोष साबित करिए। वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग इसके लिए, जिन लोगों ने नजीब के साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भारत जी, और इस खबर पर हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। नजीब की गुमशुदगी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि नजीब पिछले 5 दिनों से लापता है, इसके बावजूद जेएनयू प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखते रहिए DB Live।